निर्भीकता के साथ स्वाभिमान निराला जी में कूट कूट कर भरा था। एक बार गंगा पुस्तकमाला में कोई राजा साहब पधारे, सुधा कार्यालय में उनका स्वागत हो रहा था, सबका परिचय कराया जा रहा था और राजा साहब दंभ में अपने बड़प्पन का प्रदर्शन करते हुए सर हिलाते जा रहे थे। जब निराला जी की बारी आई तो निराला जी खड़े हुए और कहा कि हम वो हैं जिनके बाप दादा की पालकी तुम्हारे बाप दादा के बाप दादा उठाया करते थे। निराला जी के इस कथन में मिथ्याभिमान का अहंकार नहीं था, बल्कि समस्त साहित्यकारों की आत्मचेतना का समन्वित रूप था, जिसके सम्मान की रक्षा उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक की। हिंदी साहित्य सम्मेलन के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने महात्मा गांधी से भी उसी निर्भीकता से कहा, मैं हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति महात्मा गांधी से मिलने आया हूं, किसी राजनीतिक नेता से नहीं। जो भी मनुष्य साहित्य को उसका उचित स्थान नहीं देता था, उसे ललकारने में निराला जी ने कभी संकोच नहीं किया। बसंत पंचमी के दिन निराला का जन्म हुआ था। बसंत पंचमी के दिन ही मां सरस्वती की पूजा भी होती है। सरस्वती के इस लाडले पुत्र ने अपनी काव्य यात्रा में जब भी मां को स्मरण किया तो सारा भारतवर्ष उनके साथ गा उठा, वीणा वादिनी वरदे, वीणा वादिनी वरदे। वो कहते हैं कि मां, जब भी तुमने अपनी स्नेह भरी दृष्टि से मुझे ताका तो एक निर्मल प्रकाश मेरे ऊपर छा गया, मेरे प्राणों के तार झंकृत हो उठे और लेखनी के नूपुर अपने आप बज उठे, मगर तुम्हारी आंखों के फेरते ही सारे स्वर बंद हो गए, सारे रस, सारा आनंद जो तुमसे चलकर मुझ तक पहुंचे थे वो अदृश्य हो गए मां, नूपुर के सुर मंद रहे मां, नूपुर के सुर मंद रहे। जब ना स्वच्छंद रहे,
बजे छंद जो बंद रहे, नूपुर के सुर मंद रहे, नूपुर के सुर मंद रहे, चरण जब ना स्वच्छंद रहे, नूपुर के सुर मंद रहे। चरण जब ना स्वच्छंद रहे, चरण जब ना स्वच्छंद रहे, नूपुर के सुर मंद रहे, नूपुर के सुर मंद रहे।